फेलियर टू फाइंड दैट बोस डाइड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू अवर ताइवान, उसके अंदर उन्होंने बोस की इंफॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय कर दी हो। काफी ज्यादा लोग ये मानते हैं कि नेताजी की डेथ 18 अगस्त 1945 को ही थी। हालांकि काफी ज्यादा लोग इस बात को झूठा भी कहते हैं, क्योंकि आज तक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी एक वैलिड प्रूफ या कोई सबूत नहीं दे पाई है अपनी जनता को ये बताने के लिए कि हाँ, उनकी डेथ 18 अगस्त को ही ताइवान में हुई थी। हालांकि एक दूसरी थ्योरी भी है जिसपे काफी ज्यादा लोग बिलीव रखते हैं। उनके अकॉर्डिंग एक आदमी गुमनामी बाबा के नाम से 1985 तक उत्तर प्रदेश में रहता रहा, जो असली में और कोई नहीं नेताजी ही थे। और इस बात के कुछ प्रूफ्स भी हैं जिनकी हम बात इस वीडियो की एंड में करेंगे। बाकी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनकी डेथ कैसे हुई थी। हालांकि इस बात को भी वैलिड प्रूफ तो नहीं है, बट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ये मेंशन है कि जब वो नाजी जर्मनी से वापस आ रहे थे तो उनका प्लेन काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड होता, जिसके कारण जब वो ताइवान और उस टाइम के जैपनीज फॉर्मोसा के ऊपर पहुंचे तो उसकी एयर स्ट्रिप्स में एंटर करते ही उनका प्लेन हो जाता है क्रैश, जिसके कारण वो इंजर्ड हो जाते हैं और आगे चल के उनकी मौत हो जाती है। बट उनके क्रैश के बाद उन्हें इंडिया नहीं लाया जाता और 22 अगस्त 1945 को ताइवान के एक शहर ताइपी में उनका संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस टाइम के किसी भी न्यूज़पेपर या किसी ने भी ये रिपोर्ट नहीं किया कि ताइवान के एयर स्ट्रिप में कोई इंसिडेंट हुआ है या कोई एयरप्लेन क्रैश हुआ है, और ये बात किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज़ रिपोर्ट में उस टाइम नहीं आई। और फिर कुछ टाइम बाद 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमेटी फॉर्म करती है जिसका नाम रखते हैं शाहनवाज कमेटी। इस कमेटी का मेन रोल ये था कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना था कि नेताजी की डेथ कैसे हुई और क्यों हुई, और उसका मेन रीज़न और हर एक चीज़ इन्वेस्टिगेट करके इनको रिपोर्ट करना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हालांकि इस कमेटी के हेड जो थे वो चूज़ किए जाते हैं शाहनवाज खान, जो नेताजी के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद भी की थी नेताजी की उस टाइम पर। और शाहनवाज खान उस टाइम कांग्रेस के एमपी भी थे, और इस कमेटी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज और इन्वेस्टिगेशंस भी कंडक्ट किए, खाली इंडिया में नहीं काफ़ी ज़्यादा अलग देशों में भी, जैसे थाईलैंड, वियतनाम और जापान में। हालांकि आई थिंक ये लोग भूल गए थे कि नेताजी की डेथ इन देशों में नहीं ताइवान में हुई है, और ये एक्चुअली में ताइवान में कभी ग्राउंड जीरो में जाके इन्वेस्टिगेट करते ही नहीं है और अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और फिर कुछ साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शायद से अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट गलत लगने लग पड़ती है, और वो एक बार नहीं दो बार नई कमीशन सेटअप करती हैं इस कॉन्स्पिरेसी को सॉल्व आउट करने के लिए। हालांकि पहली कमीशन 1970 में बिठाई गई थी जिसका नाम था द खोसला कमीशन, और दूसरी कमीशन जिसका नाम था द मुखर्जी कमीशन वो सेटअप की गई थी 2005 में। सबसे इंटरेस्टिंग बात इन दोनों कमीशन की ये थी कि दोनों के दोनों कमीशन्स जो ताइवान पुलिस के जरिए इस डेथ कॉन्स्पिरेसी के ऊपर 14 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट की गई होती है वो उसे खारिज कर देती है। उस रिपोर्ट में क्या था वो तो हम आगे जाके इस वीडियो में बात करेंगे। पर रिसेंटली एक इंडियन स्टूडेंट जो अपनी मास्टर्स कर रहे हैं ताइवान की यूनिवर्सिटी से, जिनका नाम है सौरभ डांगर, जब वो वहाँ की पुलिस की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं डेथ कॉन्स्पिरेसी के ऊपर तो ही वो शॉक्ड, बिकॉज वहाँ की रिपोर्ट्स में लिखा था कि फेलियर टू फाइंड दैट बोस डाइड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू अवर ताइवान। तो अब आते हैं उस रिपोर्ट पे। ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में कि इंडिया के ऑफिशियल्स खारिज कर रहे थे इस रिपोर्ट को? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ था कि जब ये हादसा हुआ, जब बोस की डेथ हुई, तो तब ताइवान अंडर था जापान के, जिसका नाम था फॉर्मोसो, और जापान के किसी भी ऑफिस में कोई भी मैंशन नहीं किया गया इस डेथ के बारे में। हालांकि उस रिपोर्ट के पेज नंबर 6 के अकॉर्डिंग जब जापानीज ने सारी की सारी ड्यूटीज हैंड ओवर की ताइवान गवर्नमेंट को, तो उस टाइम पे उस जापान की जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन थी तो वो जापानीज ऑफिशियल्स ने सारी की सारी डिस्ट्रॉय कर दी। तो पॉसिबल है उसके अंडर उन्होंने बोस की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो भी डिस्ट्रॉय कर दी हो। हालांकि पेज नंबर 1 पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो आज तक गवर्नमेंट के जरिए कॉन्फिडेंशियल रखी गई है, वो आम लोगों के साथ आज तक शेयर नहीं की गई है। हालांकि सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस जगह बताया जाता है कि नेताजी का संस्कार हुआ 22 अगस्त 1945 को, उस दिन उस जगह सिर्फ एक स्थानीय नागरिक का संस्कार हुआ था जिनका नाम था इचिरो ओकुरा, जिनका सीरियल नंबर था 2641। हालांकि नेताजी के संस्कार का कोई भी रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है जापानीज गवर्नमेंट के पास। इस चीज़ से एक बात तो साफ हो जाती है कि जापानीज गवर्नमेंट ने कोई भी रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय नहीं किया था नेताजी को लेकर। तो कहाँ थे नेताजी इतने साल, और क्यों किया था एक झूठी मौत का षड्यंत्र गवर्नमेंट ने प्लान नेताजी को लेके? इस क्यों का सवाल तो हमारे पास नहीं है, बट कहाँ थे इसका एक दूसरा सिरा भी है,
जिसको काफी लोग मानते भी हैं, गुमनामी बाबा, जिनके बारे में हमने काफी कुछ सुना भी है कि वो नेता जी ही थे असली में। एक्चुअली रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CFSL के जरिए एक टेस्ट कंडक्ट कराती है, DNA टेस्ट उन्हीं गुमनामी बाबा का। हालांकि ये जो CFSL जो अथॉरिटी है ये सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, ये टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और इस रिपोर्ट को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। रिसेंटली एक इंसान ने RTI लगाई और उस DNA टेस्ट की रिपोर्ट की मांग की होम मिनिस्ट्री से, बट ये खारिज कर दी जाती है ये कह के कि ये पॉसिबली इंटरनेशनल देशों के साथ हमारा संबंध खराब कर सकती है। पर एक नॉर्मल इंसान जिसका टेस्ट गवर्नमेंट पहले खुद कराती है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट शेयर भी नहीं करती, वो कैसे पॉसिबली इंटरनेशनल स्टेट्स के साथ हमारा रिलेशन खराब कर सकते हैं? शायद से जो सच्चाई हम शुरू से सुनते आ रहे हैं सच उसका बिल्कुल ही उलट है। अब सच्चाई क्या है वो तो हमें नहीं पता, बट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्यों हुई थी उनकी मौत और क्या रीज़न होगा। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया।